गया बेकार। राम मंदिर में डोनेशन देने के बाद उनका पुराना वीडियो हुआ वायरल। डोनेशन को लेकर अक्षय कुमार ने क्या कहा था इन दिनों, उनकी कौन सी वीडियो हो रही है सोशल मीडिया पर वायरल, आज हम बात करने जा रहे हैं अभिनेता अक्षय कुमार के एक पुराने वीडियो की, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि मंदिर में दान देने के बजाय जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। दरअसल जब 2012 में अक्षय की फिल्म OMG रिलीज हुई थी, प्रमोशन के दौरान अक्षय ने एक स्टेटमेंट दिया था और इंटरव्यू में बातचीत के दौरान अक्षय ने बताया था कि पता नहीं लोग मंदिर में क्यों दान करते हैं, ये सब व्यर्थ है, उन्हें किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर देनी चाहिए। हाल फिलहाल बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने बताया था उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए डोनेशन दिया है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने लोगों से भी दान देने की अपील की। बस फिर क्या था, वीडियो के रिलीज होते ही जो सोशल मीडिया पर अभिनेता अक्षय कुमार की पुरानी वीडियो वायरल होने लगी है, ओहो, जिसमें वे मंदिर में दान देने की बात लोगों को कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो कब की है और इंटरव्यू में क्या बताया अभिनेता अक्षय कुमार ने वीडियो कब की है और इंटरव्यू में क्या बताया अभिनेता अक्षय कुमार वीडियो साल 2012 की है, जब अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार ने ABP से बातचीत के दौरान बताया था कि लोग मंदिर में दान करते हैं। अक्षय कुमार ने कहा था पता नहीं लोग क्यों भगवान के नाम पर दूध और तेल बर्बाद करते हैं। अक्षय ने कहा कि क्या भगवान दूध पीते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इंसान भूखे मर रहे हैं। मैं मंदिर में देखता हूँ कितना दूध बेकार में चला जाता है, मुझे लगता है कि भगवान के लिए कुछ करना है तो बढ़िया होगा कि आप जरूरतमंद लोगों की मदद कर दें। इंटरव्यू में अक्षय ने आगे बताया था कि लोग वैष्णो देवी जैसे मंदिर में जाने के लिए कितने पैसे खर्चते हैं, उस पैसे को उन्हें जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए या उनकी भलाई के लिए दे देना चाहिए। अब उनकी पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग अक्षय कुमार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनकी सोच इतनी जल्दी कैसे परिवर्तित हो गई, और लोग अक्षय कुमार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनकी सोच इतनी जल्दी कैसे परिवर्तित हो गई। अक्षय ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, बहुत खुशी की बात है कि अयोध्या में हमारे श्री राम के मंदिर का निर्माण की शुरुआत हो चुकी है, अब सहयोग की बारी हमारी है, मैंने तो शुरुआत कर दी, उम्मीद है आप सब भी जल्द जुड़ जाएंगे, जय श्री राम। अक्षय कुमार ने जो वीडियो साझा किया उसके बारे में बताते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया, कल रात मैं अपनी बेटी को एक स्टोरी सुना रहा था, आप सुनेंगे। एक तरफ था गहरा समुंदर और दूसरी तरफ थी लंका, और दोनों के बीच में वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुंदर में डाल रही थी, क्योंकि राम सेतु का निर्माण कर सीता मैया के वापस बुलाना था। तब राम उसी किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी एक गिलहरी पर। अक्षय आगे लिखते हैं, गिलहरी पानी में जाती फिर किनारे पर आती, रेत में लौट जाती फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर भागती, फिर से पानी में जाती बाहर आती और रेत में लौट जाती। ये सब देखकर राम जी आश्चर्यचकित हुए और चल क्या रहा है ये सोचने लगे। वे गिलहरी के पास गए और उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो। इस पर गिलहरी ने जवाब दिया, मैं अपने शरीर को गीला करती हूँ, उस पर रेत लिपटती हूँ और पत्थरों के बीच में जो जगह खाली है उसे जाकर भर देती हूँ। राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। अक्षय कुमार ने कहा, आज हमारी बारी है, अयोध्या में मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, हम में से भी कुछ वानर सेना और कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से सहयोग करके इस ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदारी बने। उन्होंने कहा था, मैं खुद करता हूँ शुरुआत, मुझे विश्वास है आप सभी मेरे साथ हैं और इस काम में जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेशों पर चलने की प्रेरणा मिल सके। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा राय ने।